गाइस बैक विद सोल टूर्नामेंट एंड अपडेट वीडियो। सो पहले बात करते हैं वॉर मेनिया का, प्रो वॉरियर कप का, सीजन 2 का ग्रैंड फाइनल का, डे 1 का ओवरऑल स्टैंडिंग। तो टॉप पे निग्मा गैलेक्सी है विद 77 पॉइंट एंड सोल हैशटैग 2 पे विद 73 पॉइंट एंड थर्ड पे ओरेंगोटैन है विद 70 पॉइंट। तो ये था ओवरऑल स्टैंडिंग आफ्टर डे 1 एंड अब बात करते हैं मैचेस का। तो मैच 3 में सोल ने 7 किल निकाला था, मैच 4 में सोल हैशटैग 2 आती है जिसमें सोल हेक्टर ने हिल बैटल किया था, मैच 5 में सोल ने 7 या 8 किल के साथ चिकन डिनर निकाला था एंड मैच 6 में 4 किल निकाला था। तो वो मैचेस आप आगे देख सकते हो एंड मैच 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है तो वो आप चेकआउट कर सकते हो एंड मैच 1 ऑफलाइन हुआ था तो वो सारे मैच आप आगे देख सकते हो। एंड उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, आपको ऐसे सोल का तोड़फोड़ वीडियो मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। एंड अब चलते हैं मैच की तरफ। पोजीशन को तो इसीलिए आप थोड़ा सा जल्दी जाए बेहतर रहेगा। और अगेन स्काईलाइट्स वर्सेस सोल, फाइनली हमें ये फाइट देखने को मिल चुकी है। अक्षर सामने देखने को मिलेंगे, टीम स्काईलाइट गेमिंग पुकार, ही इज ऑन 40 एचपी लेकिन व्हीकल उठाकर निकलने में कामयाब हो चुकी है। टीम स्काईलाइट गेमिंग के 3 प्लेयर बच के निकल गए हैं, एक प्लेयर बहुत ज्यादा ऑफ गार्ड कैच आई गेस उनको कर लिया था, कोई भी चांस नहीं दिया गया। तो सोमराज कोशिश करते हुए पीछे सोमराज की तरफ से एक प्लेयर को डाउन जरूर किया गया लेकिन 2-4 सिचुएशन, मल्टीपल शॉट्स एंड स्काईलाइट्स गेमिंग यहीं पर 14th पोजीशन पर एलिमिनेट होती हुई नजर आई। लेकिन अगर शॉट्स हो और सोल ना हो, ये बहुत कम बार हमें देखने को मिला है वॉरमेनिया प्रो वॉरियर कप में। एंड सोल की जो ये टीम है आगे आ चुकी है, फाइट का इनको लग गया है आइडिया, एंड इसी के साथ ग्रेनेड्स हमें आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। सोल क्या इस थर्ड पार्टी से बच के निकल पाएगी? दोनों टीम्स के फिनिशेस अगर अपने नाम कर पाते हैं तो एक बहुत बड़ा पुश उनको मिल जाएगा। मैं देखना चाह रहा हूँ कि कैसे वो यहाँ से आगे निकल के जाने वाले हैं। दैट इज समथिंग जो मैं जरूर देखना सामने से अबरार भी एम्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं। अबरार देखने की कोशिश करेंगे सोल के, ओमेगा एलिमिनेट करेंगे पूरी की पूरी टीम को। टीम सोल गॉट दो 7 फिनिशेस लेकिन ट्रेट में अपने 2 प्लेयर्स को गवा दिया है। एनिग्मा की टीम सही टाइम पर आ चुकी है थर्ड पार्टी करने के लिए। सोल बहुत खराब सिचुएशन, ओमेगा ना चाहते हुए भी मोलोटॉप पर स्टेप अप कर पाएंगे। अक्षत यहाँ पर अकेले बच चुके हैं, एनिग्मा की पूरी पूरी टीम अच्छी खासी फील्डिंग बनाकर बैठी हुई है। अगर निकालने की कोशिश अकेले अक्षत, कोशिश बहुत ज्यादा बेहतरीन, अक्षत इन 1v3 एंड इसी के साथ से जितने भी सर्कल के बाहर प्लेयर्स थे, दे आर ऑल फाइटिंग ईच अदर फॉर स्पॉट्स, सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन के लिए फाइट यहां पर चल रहे हैं। प्लेयर्स आपस में ही आई गेस फाइट करके उन्हें एलिमिनेशन मिल गया। सो टीम एक्स दे आर लिविंग द बेस्ट लाइफ, वो बहुत ज्यादा मजे कर रहे हैं। आई थिंक वो जोन के बाहर गए थे, नॉक हुए और वो कह रहे कि मैं फिनिश हो जाता हूँ भाई यहाँ पे, आप ही देख लो क्योंकि आना तो पहले ही है, कुछ भी कर लो, थोड़ा टाइम लगाओ या कुछ भी कर लो लेकिन आना तो पहला ही है। जोन के बाहर चली गई है सारी फैसिलिटी अगर आप नजर डालो तो, और 24 सेकंड के अंदर हमारा नोवा जोन भी क्लोज इन होने वाला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अपोलो चलिए इनका भी सफर ओ फायदा देके जा सकता है, कुछ फिनिशेस उनको देके जाएगा क्योंकि जोन का अच्छा खासा कवर उनके पास नजर आ रहा है। पोर्टल गिल के द्वारा जो प्लेयर नॉक थे उनको सिक्योर के अंदर तब्दील कर दिया जाएगा और अब गिल के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बनती हैं क्योंकि वो जो ओपन में आए थे अब उनको पनिश किया जा सकता है। अक्षर ट्राई कर रहे थे एक पिक निकाला जाए और जो पिक है उसको पनिश के अंदर तब्दील कर दिया जाए। गॉब्लिन के द्वारा एनिग्मा के रैक्स को डाउन कर दिया जाता है और जो रैक्स थे वो जोन के बाहर आपको हेलमेट होते हुए देखने को मिलेगा। अभी जोन के बाहर नॉक आउट हो चुके हैं एंड अब माइंड भी आपको एगी भी डाउन होते हुए देखने को मिल सकता है। जस्ट सर्वाइविंग ऑन डॉट एचपी और चलिए उनका जो पिक है वो भी निकाल दिया जाएगा, फिनिश कर दिया जाएगा। लास्ट पिक निग्मा गैलेक्सी लेके जाएगी और पूरी की पूरी टीम एनिग्मा आपको हेलमेट होते हुए देखने को मिल जाएगी। वहीं पर अगर बात करें कैमनी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के बारे में वो आपको जस्ट बगल में नजर आ रहे हैं और तो सोल को थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। कामयाब हो जा रहे हैं वो के ऊपर, वो ग्रेनेड्स सभी के लिए डालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो जो कवर अप है उनके पास वो बहुत ज्यादा दिक्कतों में उल्टा गॉब्लिन को इंस्टेंट ग्रेड भी निकालने की वहां पर कोशिश की लेकिन आई गेस कामयाब। एमएनई स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स है वो कवर में रहते हुए बहुत ही ज्यादा बढ़िया हमें स्प्रेस लेते हुए नजर आएंगे।
कैमेन स्पोर्ट्स के बॉबडॉप आपको नॉक देखने को मिले और जस्टिन वेल इज सर्वाइविंग ऑन डॉट एचपी और जो बॉबडॉप नॉक थे उनको फिनिश अप भी कर दिया जाएगा। निग्मा गैलेक्सी के पास आपको दो प्लेयर्स नजर आ रहे, सामने कैमेन के तीन है। वहीं पे अगर टीम सोल की बात करें तो उनके पास भी आपको तीन प्लेयर्स देखने को मिल जाएगा, तो इट्स 2v3v3 बैटल। एंड वहीं पे अगर बात करें वैसे के द्वारा एक अच्छा सा खासा स्प्रे आता है जो कि जस्टिन को यहां पे नॉकआउट करता है। रॉबिन पीछे से आ चुके हैं, माइट भी यहां पे रिवाइवल पॉसिबल हो सकता है और कैमेन वापसी तीन प्लेयर्स के साथ आपको करते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन सोल अभी के लिए रुकने का नाम नहीं ले रही, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए आपको देखने को मिल रहे और माइट भी वो वेट भी कर सकते हैं ये दोनों टीम की फाइट का, और ये दोनों टीम की फाइट के अंदर थर्ड पार्टी से कुछ बढ़िया से यहाँ पे फायदे उठा सकती है। वैसे बैक टू बैक यहाँ पे आपको नेट करते हुए देखने को मिलेगा और ये जो नेट है वो जाएगा, ड्रॉपिंग डाउन किए जाएंगे डेल्टा पीछे के ऊपर, वो नेट का कनेक्शन और डेल्टा पीछे यहाँ पे फिनिश होते हुए देखने को मिलेगा। जस्टिन एक लॉ पे सर्वाइव करे, क्या अपनी टीम के लिए कुछ वैल्यू प्रोवाइड करवा पाएंगे? एक और नेट उनके बगल में डिलीवर हुआ है और जी हाँ बिल्कुल वो नेट जस्टिन को भी लेके जाएगा। वैसे विद दैट गोल्डन हैंड कहीं ना कहीं आज के मैच के अंदर डोमिनेटिंग कर रहा है, हेक्टर को डाउन कर दिया जाता है अपोलो के द्वारा और वहीं पे हेक्टर को फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा। 2v2 का ये बैटल आता हुआ देखने को मिलेगा और सोल की टीम बिखर चुकी है क्योंकि अक्षत आपको एक साइड पे देखने को मिल रहा है और बाकी के जो एक प्लेयर उनके और है ओमेगा वो अलग साइड पे देखने को मिल रहा है, जबकि निग्मा गैलेक्सी के दोनों प्लेयर आपको एक साथ देखने को मिले। ये चीज काफी ज्यादा फायदा दे सकती है। ओमेगा धीरे धीरे करके अपने आपको ग्राउंड डाउन करके जोन के अंदर लेके जा रहे हैं। 5 फिनिशर्स ऑलरेडी टीम के पास आ चुके हैं। अभी ये 2v2 की बैटल कौन निकाल के जाएगा क्योंकि वेक्स जिस तरह से होल्ड करे स्पॉट हो सकते हैं, ध्यान नहीं है ओमेगा के ऊपर। ओमेगा का ये नेट जाएगा, क्या कनेक्शन यहाँ पे निकाल सकता है? एक जगह स्पॉट किया, अपोलो को यहाँ पे डाउन किया, इट्स अ 1v2 सामने से प्लेयर आया, एक डाउन कर सकता है यहाँ पे। कैनरी बैक ऑफ करेंगे अपनी टीम की तरफ जो कि फाइट में लगी हुई है टीम सोल के अगेंस्ट टीम निग्मा गैलेक्सी। सामने हमें देखने को मिलेगी एनिग्मा इनके सामने एंड इसी के साथ एमजे एक ग्रेनेड टॉसिंग करने की कोशिश जरूर करेंगे। दो प्लेयर्स ऑलरेडी इनके नॉक हमें देखने को मिल जाते हैं। अपोलो एगी को डाउन करेंगे, अपोलो रेक्स को भी डाउन कर चुके हैं। रिवेंज स्पोर्ट्स दूसरी तरफ टीम स्काईलाइट्स गेमिंग से फाइट होने में लगी हुई है, लेकिन आरपी स्पोर्ट्स अप अगेंस्ट टीम सोल यहां पर एलिमिनेट करने के बहुत करीब। आरपी स्पोर्ट्स के हीरो अकेले प्लेयर बच जाते हैं, ही इज द सोलो सर्वाइविंग मेंबर एंड क्या ये टीम सोल को रोक सकते हैं? मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा क्योंकि 1v4 सिचुएशन आल्सो ही इज स्पॉटेड, तो अगर इनकी पोजीशन स्पॉट हो चुकी है तब तो कोई भी चांस नहीं है। एंड टीम सोल फाइट का इनिशिएशन होता हुआ देखने को मिलेगा, अक्षत को भी यहां पे टेक डाउन कर दिया जाएगा और गॉब्लिन नेड था, नेड के ऊपर जाके आराम से बैठ जैसे गए और जस्टिन यहाँ पे दो प्लेयर्स को लेके जाएंगे। एचएच के कैरी का जो नेड था वो भी दो प्लेयर्स को लेके जाएगा। यानी तो कैसे लगा आपको सोल का ये परफॉर्मेंस मुझे कमेंट करके बताना। तो बस आज के वीडियो को बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सोल के अपडेट एंड डोरफोर्ड के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्लेइंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।